जैसे इन्होंने गुजरात जी ने किया कि अपने विचार रखो, लेकिन वास्तव से सैकल साहब ने किसी इंटरव्यू वास्ते जल्दी जाना, इस करके मैं सोच रहा कि भी हमें सबसे पहला सैकल साहब का धन्यवाद करेंगे कि आज भी इस सारे प्रोग्राम को हमने शुरू किया है। ऐसे सैकल साहब पहले भी कार्यक्रम से मिले सी, तो मैं उन्होंने कहा भी सी कि 5 अक्टूबर को प्रोग्राम होना, तो अपने मान्य भागवत जी, अपने मूल भागवत जी, सत्संग चालक जी आने वाले हैं, लेकिन शायद दिल्ली तो बाहर चले गए सी, इस करके विशाल प्रोग्राम विच किसी उपस्थित नहीं हो सके। गुरु गोबिंद सिंह जी के सच्चे विचार अच्छे अनुयायी के तौर पर मैं समझना कि साहब सब काम कर रहे हैं, लखा लोगों तक जैसे उन्होंने दसिया सैकड़ों हजारों प्रोग्राम जा रहे हैं और लोगों को प्रेरणा दे रहे हैं, और अज साडे इस प्रोग्राम च आके इन्होंने जी उत्ते बड़ी शोभा बनाई है, और इस सिख संगत के इस प्रोग्राम और गुरु गोबिंद सिंह जी के बारे से जो प्रेरणा दी है, मैं समझना कि एक बहुत अच्छी गल है, अगे भी असी इन्हों को सू मार्गदर्शन मिलता रहेगा। बाकी जिस तरह सैकल साहब जिस तरह असी सैकल साहब का धन्यवाद करने, लेकिन गोपाल जी बैठे थे अपने गोपाल कृष्ण जी कोटवाल जी के अपने माड़े बड़े साडे कार्यकर्ता है और असल भारतीय विद्यार्थी परिषद है और प्रधान भी रहे हैं, दिल्ली का कॉलेज प्रधान भी रहे हैं और बड़ा इन्होंने काम किया है, तो और साड़ी बड़ी खुशी की गल है कि सिख संगत के विच भी इन्हों का बहुत योगदान चल रहा है, और कॉर्पोरेशन ऑफ स्मॉल इंडस्ट्रीज ऑल इंडिया के जनरल सेक्रेटरी भी है, वो भी कई तरह के समाजिक काम बड़े कर रहे हैं, तो मैं उन्होंने धन्यवाद करना। बंगाली मार्केट रहते हैं और इन्होंने कहा है कि असी सिख संगत वास्ते अपना पूरा योगदान करेंगे, और होर भी कई सज्जनों लेके आए हैं वो, और बड़े बड़े प्रमुख लोगों का, और जरा विशेष संपर्क ऐसे कुछ लोगों का सोचा है वो इनका योगदान होगा। ध्रुव अग्रवाल जी जो सारे ऑल इंडिया के चार्टर्ड अकाउंटेंट जे एसोसिएशन के प्रेजिडेंट रहे हैं, और बहुत खाते कॉर्पोरेशन ऑफ स्मॉल इंडस्ट्री के टैक्सेशन कमेटी के चेयरमैन है, तो मैं सबका धन्यवाद करना, और सैकल साहब का खास तौर पर जिन्होंने आकर इन्होंने घर जावे असं इन्हों को हो भी सवाल रहोंगे इस कार्य को बनाने वास्ते, बहुत बहुत धन्यवाद।